सर आपके राइट हेयर अमित फ्रॉम amarujala.com. अमित सर इंडस्ट्री करेक्शन के फेज से गुजर रही है. हाँ जी. इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री करेक्शन के फेज से गुजर रही है. अच्छा. दो मेजर जो स्टूडियोज हैं फिल्म मेकिंग के. हाँ जी. दो मेजर फिल्म मेकिंग के जो स्टूडियोज हैं बालाजी और वॉल्ट डिज्नी इंडिया, उन दोनों ने अपने वेंचर्स बंद किए हैं और वो इस बात पर माथापच्ची कर रहे हैं कि फिल्म मेकिंग का उनकी कॉस्टिंग कैसे कम की जाए. तो क्या आप मानते हैं कि कॉरपोरेट्स जब आए और उन्होंने सितारों को बेतहाशा पैसा मतलब देना शुरू किया, वो एक रीज़न है कि फिल्म का बजट फेल हो जाता है? 47 साल हो गए हैं मुझे, कोई भी वर्ष ऐसा नहीं आया है जहां पर इस प्रश्न का हमारे सामने ना डाला गया हो कि यार सारा इंडस्ट्री जो है ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या होगा, ये दुकान बंद हो गई, इसकी ये दुकान बंद हो गई. सर ये फिल्म इंडस्ट्री चिरायु है, हमेशा जीवित रहेगी और चलती रहेगी. ये बाधाएं आती रहेंगी बीच बीच में, कुछ सफलताएं आएंगी, कुछ निराशाएं होंगी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री चलती रहेगी. और हर बार जो है यही एक आरोप लगता है कि जो कलाकार है उसको ज़्यादा पैसे दे दिए इसलिए फिल्म जो है वो बैठ गई. लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ. कलाकार के अंदर अगर इतनी क्षमता है कि वो बॉक्स ऑफिस पे आप जैसे लोगों को और बहुत सारे लोगों को खींच करके सिनेमा घर में ला सके, तो अगर वो अगर एक तरह की आमदनी मांग रहा है तो उसको देने में क्या खराबी है. वो पैसा अगर कवर हो जाता है उसे इतना पैसा दे करके, तो उसमें कोई बुराई नहीं है. अगर नहीं होता है तो वो अगली फिल्म में उसको आप कम दे देते हैं, तब तो आप प्रश्न नहीं पूछते. और कई बार होता है ऐसा. मैं अपना ही उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि जब हमारे जवानी में जब हम हीरो हुआ करते थे और उस समय एक हमारा एक तनख्वाह थी जो निर्धारित होती थी. अगर हमारी कोई फिल्म चल जाती थी तो हमारे जो लोग हैं जो कि बात करने जाते हैं, क्योंकि हम तो पैसे की बात नहीं कर पाते हैं, वो जा करके बोलते थे सर देखिए ये फिल्म चल गई है, अब थोड़ा सा और इसमें ये प्रबल हो गए हैं, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए. तो इस तरह से बढ़ाते थे. फिर कभी फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो कहते हैं कि साहब आपकी तो फिल्म फ्लॉप हो गई, अब हम कम कर देंगे. कम कर देंगे, ये चलता रहता है, ये लेन देन की बात है, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है. लेकिन फिल्म इंडस्ट्री जीवित रहेगी, जिंदा रहेगी. और सर अमित सर एक सवाल और था. अरे केक नहीं काटेंगे, नहीं हम केक नहीं काटेंगे, हमने बोल दिया बहुत. एनीथिंग एल्स? थैंक यू वेरी मच. अमित सर एक सवाल और था, ये मतलब सामने से. जी अमित सर ये जो हॉलीवुड की फिल्में हैं. हाँ जी. हॉलीवुड की फिल्मों से इंडियन फिल्मों को चुनौतियां मिल रही हैं जी. इसके बावजूद जो इंडियन स्टार्स हैं वो क्यों आवाज देते हैं या उसमें एक्ट करते हैं? क्यों ना दें? कोई कहेगा कि इसमें आप अपना योगदान दीजिए, हम देंगे. किसी भी चुनौती से हमको डरना नहीं चाहिए, हम लड़ेंगे उनके साथ. और मैं आपको बता दूं कि जहाँ जहाँ भी हॉलीवुड गया है और देशों में उनकी इंडस्ट्री को उन्होंने ख़त्म कर दिया है, यहाँ भी यही प्रयत्न हो रहा है, लेकिन हमने अभी तक हार नहीं मानी है. हम लड़ेंगे उनके साथ, आना चाहिए उनको. ठीक है, धन्यवाद.